केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 CAA लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उसके लिए इन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया और मैं हूँ कीर्ति सलाथिया। हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नई रिपोर्ट लेकर। रिपोर्ट अब विस्तार से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 पूरे देश में लागू कर दिया। इसके लागू होने से अब तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी भारतीय नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए इन लोगों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जैसे CAA नियमों के तहत नागरिकता के लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले भारत में एक साल तक लगातार रहना अनिवार्य है। आपको बता दें कि CAA दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था। चार साल के समय के बाद अब इसके नियमों को अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों और नियमों की जानकारी दी गई है। इस अधिनियम के तहत जो प्रवासी बगैर पासपोर्ट या वीजा के भारत में घुस आए हैं या फिर तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं, इनको अवैध प्रवासी माना जाएगा। पिछले दो साल की बात की जाए तो सरकार ने 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने की अथॉरिटी दी है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1,414 विदेशियों को नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है वह इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब आगे सवाल ये उठता है कि क्या संशोधन के लागू होने से किसी की नागरिकता जाएगी या नहीं? इसका सीधा जवाब है नहीं। CAA में किसी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 21 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों के लोग हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई की नागरिकता को देने का प्रावधान किया गया है। आमतौर पर भारत में नागरिकता पाने के लिए कम से कम 11 साल तक रहना जरूरी है, मगर नागरिकता संशोधन कानून के तहत अब इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आप मोबाइल से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को भारत में प्रवेश का साल बताना होगा। इसके लिए कोई दस्तावेज भी नहीं मांगा जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतनी ही जानकारी। अगली रिपोर्ट लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे कीर्ति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। नमस्कार।